हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो बर्थ की है। आप चाहे तो विदाउट बर्थ भी खा सकते हैं इस रेसिपी को। कुट्टू के पकोड़े जो कि हमारे नवरात्रे में स्पेशली बनाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, चलो मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ कैसे कैसे बनना स्टार्ट होता है। तो हमने यहाँ क्या क्या सामग्री ली है आप वो देख लें। पहले कुट्टू के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले लिए हैं हमने आलू। आलू को बॉईल कर लिया था फ्रेंड्स, हमने 5 आलू लिए थे। आलू को बॉईल कर लिया अच्छे से, उनको पोटैटो मैशर की हेल्प से मैश कर लिया है। फोड़ लेना है आपको, लेकिन आपको इनको आलू को कद्दूकस नहीं करना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स ले लिए हमने टमाटर, एक टमाटर उसको बारीक काट लिया है। मोटा साबुत धनिया, ये हमने लिया है हरा धनिया। हरी मिर्च, एक बाउल कुट्टू का आटा और कश्मीरी लाल मिर्च। और फ्रेंड्स यहाँ पे ले लिया है हमने बर्थ का नमक। ये देखें आप, ये बर्थ का नमक आता है, आप इसको ले लें। यहाँ पे हमने कुट्टू का आटा को एक बाउल में कर लिया, उसमें हल्का हल्का पानी मिला के अच्छे से फेंट लेंगे। जैसे हम बेसन के पकौड़ों का घोल बनाते हैं उसी प्रकार हमें कुट्टू के आटे का घोल बना लेना है। ये देखें फ्रेंड्स, इसलिए मैं सो फ्रेंड्स इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा बर्थ का नमक। घोल हमने फ्रेंड्स पहले बना लिया है, आप चाहें तो आलू उबाउस के पिट्ठी बनाने के बाद बना लें। तो फ्रेंड्स अब हमारा घोल बन चुका है, हम इसको उठा के रख देंगे साइड। फ्रेंड्स अब हम तैयारी करते हैं स्टफिंग की कुट्टू के पकोड़े की। यहाँ पे हमने ले लिया है रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो देसी घी ले सकते हैं। अच्छे से पका लेंगे, ऑयल को गरम कर लेंगे अच्छे से, रिफाइंड ऑयल को या घी को। सो फ्रेंड्स ऑयल हमारा हो चुका है, अब हम डालेंगे मोटा साबुत धनिया और हल्का सा जीरा, अच्छे से चला लेंगे। अब डालेंगे फ्रेंड्स हरी मिर्च और टमाटर, डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से चला लेंगे फ्रेंड्स हम। टमाटर को फ्रेंड्स हम 1 मिनट तक पका लेंगे अच्छे से। अब फ्रेंड्स हम ऐड करेंगे टमाटर के ऊपर बर्थ का नमक। नमक को चला लेंगे अच्छे से। टमाटर को फ्रेंड्स हमने पका लिया है, अब हम डालेंगे आलू मैश किए हुए। आलू को अच्छे से मैश कर चला लेंगे। सो फ्रेंड्स हम आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारे नमक मिर्च टमाटर हरी मिर्च सब सेटल हो चुके हैं। अब हम ऐड कर देंगे हरा धनिया, अब अच्छे से चला लेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी है पकौड़ों के लिए फ्रेंड्स, ये देखें आप। अब हम इसे उठा के साइड रख देंगे और तैयारी करते हैं पकौड़े बनाने की। फ्रेंड्स अब हमने ले लिया कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया रिफाइंड ऑयल, इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हमने अपने आलू के बॉल्स बना लिए छोटे छोटे, ये देखें आप स्टफिंग के लिए। ये देखिए हमारे पकौड़ों के छोटे छोटे बॉल्स रेडी हैं। अब फ्रेंड्स हम अपनी बॉल्स को कुट्टू के घोल में ऐड करेंगे, डिप करेंगे अच्छे से। डिप करते हुए कढ़ाई में सेफली छोड़ देंगे एक एक बॉल्स को। फिर से बॉल को लेंगे, डिप करेंगे कुट्टू में, फिर उसको छोड़ देंगे। ऐसे कर करके फ्रेंड्स हम अपनी सभी बॉल्स को
ऑयल में छोड़ देंगे कढ़ाई में। हमने फ्रेंड्स अपनी सारी बॉल्स को कढ़ाई में छोड़ना है ऐसे करते करते हुए। बहुत ही लाजवाब बनते हैं फ्रेंड्स कुट्टू के पकोड़े, आप भी ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको हम व्रत में खाते हैं स्पेशली नवरात्रि में, तो ये रेसिपी बहुत ही स्वाद लगती है। और आपका कभी फास्ट वगैरह हो मंडे का या किसी भी चीज़ का, अष्टमी वगैरह का, आप जब भी खा सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमने अपने बॉल्स जो है कुट्टू के वो उसमें डाल दिए पकौड़े अपने, अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें अपने कुट्टू को पकौड़े को पलट लेना है, अच्छे से फ्राई करते रहना है जैसे बेसन के पकौड़ों को फ्राई करते हैं। चलो फ्रेंड्स हम इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको, अभी हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स हमने अपने पकौड़ों को कढ़ाई से निकाल लिया, ये देखें हमने लाइट ब्राउन फ्राई किया है इनको, अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारे रेसिपी का फाइनल लुक कुट्टू के पकौड़े, ये देखें फ्रेंड्स हमने इसके साथ लिए हरे धनिया की चटनी और दही। आपको ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपना ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।